नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं शरीर के उन निशानों के बारे में जो कि महिलाओं के लिए बेहद भाग्यशाली होते हैं। दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। ऐसे में यदि किसी हिंदू परिवार में बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। दोस्तों, इसके अलावा जब एक लड़की बड़ी होती है और उसका विवाह होता है और जब वो पहली बार अपनी ससुराल जाती है तो लोग उस समय भी कहते हैं कि उनके घर लक्ष्मी आई है, अर्थात स्त्री के रूप को देवी की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, वैसे तो हर लड़की अपने माँ बाप के लिए सौभाग्य लेकर आती है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली स्त्रियों की कुछ विशेषताएँ बताई गई हैं। कौन सी विशेषताएँ, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस दुनिया में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो नए जीवन का मूल आधार होती है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे ये जाना जा सकता है कि कौन सी स्त्री अपने पति और परिवार के लिए भाग्यशाली हो सकती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर स्त्री के कुछ चुनिंदा अंग बड़े हैं तो वो अपने परिवार के लिए सौभाग्य की निशानी होती है। कौन से हैं वो अंग, आइए जानते हैं। नंबर एक, चमकते नाखून। दोस्तों, बहुत सी महिलाओं के नाखून बहुत ही अच्छे और सुंदर होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, गुलाबी रंग के चमकते नाखून वाली लड़कियां अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र वाली होती हैं। ये अपने पति और परिवार दोनों के सुख और दुख का ख्याल करती हैं और पूरी इच्छा से अपना काम करती हैं। दोस्तों, जिस महिला के पांव की मध्यम अंगुली अपेक्षाकृत बड़ी होती है वो बहुत दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले आपको इसके बारे में बहुत बार सोच विचार करना चाहिए। नंबर दो, बाएं गाल पर तिल। दोस्तों, जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वो महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वो अपने पूरे परिवार का अच्छे से ध्यान रखती है। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है जिसकी वजह से उसका परिवार उससे हमेशा खुश रहता है। नंबर तीन, लंबी नाक। दोस्तों, जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है उनमें किसी भी मुसीबत को शांति से सुलझाने की क्षमता होती है। इन महिलाओं को खर्चा करने का शौक होता है, लेकिन इनके द्वारा किया गया खर्चा कभी भी बेकार नहीं जाता। नंबर चार, लंबी उंगलियां। दोस्तों, जिन महिलाओं की उंगलियां लंबी होती हैं वो बहुत बुद्धिमान होती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। ऐसी महिलाएं फिजूल खर्ची नहीं होती, बल्कि इन्हें पैसा दिया जाए तो वो इसे दोगुना करने का पूरा गुण रखती हैं। इनका परिवार और पति इनसे हमेशा खुश रहता है। नंबर पाँच, गुलाबी पाँव। दोस्तों, जिन महिलाओं के पैर गुलाबी और बहुत ही कोमल होते हैं और पूरी तरीके से विकसित होते हैं तो इस तरह की लड़कियां अपने प्रेमी या फिर पति को बहुत अच्छे से खुश रखती हैं। इसके अलावा शारीरिक संबंध में इनकी रुचि इस प्रकार होती है कि उनके पार्टनर उनसे हमेशा नजदीकी बनाकर रखते हैं, क्योंकि एक पति या प्रेमी अपनी प्रेमिका या पत्नी से सिर्फ प्यार की उम्मीद रखता है और इस मामले में ऐसी महिलाएं हमेशा आगे रहती हैं। अर्थात यदि कोई पुरुष ऐसी महिला से शादी करता है तो वो हमेशा खुश रहेगा और इससे उसे अपनी पत्नी से कोई शिकायत भी नहीं रहेगी। नंबर छः, तलबे के नीचे त्रिकोण। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक महिलाओं के पैर के तलबों में कई गहरे राज छिपे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन महिलाओं के तलबों के नीचे त्रिकोण का निशान होता है वो बहुत ही चतुर और बहुत ही बुद्धिमान होती हैं और ये किसी भी कार्य को बड़ी सूझबूझ के साथ करती हैं। अर्थात ऐसी महिलाओं से शादी करने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होते, क्योंकि उनको एक समझदार पत्नी मिल जाती है जो उनके हर काम में उनका साथ देती है। इसलिए यदि जिस महिला के तलबों में
त्रिकोण का निशान बनता है, वो महिलाएं वास्तव में भाग्यशाली होती हैं। नंबर 7, बड़ी बड़ी आंखें। दोस्तों, हर किसी को बड़ी बड़ी आंखों वाली महिलाएं पसंद होती हैं, और ऐसी महिलाओं की आंखों में लोग अक्सर डूब जाते हैं। जिन महिलाओं की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, उनको हिरणी की आंखों की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, दरअसल बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा रहता है। उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। नंबर 8, नाक के पास तिल। दोस्तों, आपने बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पर तिल देखा होगा, लेकिन चेहरे के कुछ खास जगह तिल बहुत शुभ माने जाते हैं, और ऐसे तिल सिर्फ भाग्यशाली महिलाओं के चेहरे पर होते हैं। दोस्तों, दरअसल यदि किसी महिला की नाक के पास तिल है, तो ऐसी महिलाएं बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं, और इनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये जो चाहती हैं उन्हें वो मिलता है। अर्थात ऐसी महिलाओं के जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। इसलिए यदि किसी महिला की नाक के पास तिल है, तो वो महिला बहुत भाग्यशाली और बहुत ही किस्मत वाली है। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।